टीचर कौन होता है, या यूं कहें कि आप किसे टीचर समझते हैं। आपके घर क्या कहरे से होने वाली शुरुआत से लेकर डिग्रियों से भरी फाइलों में तब्दील हो जाने के बीच, माँ की ममता से लेकर प्रेम के चुनाव के बीच, नौकरी के पहले दिन से लेकर रिटायर हो जाने के बीच, और आंखें खोलने से लेकर हमेशा के लिए उन्हें मूंद लेने के बीच एक बाजार है। मैं ऐसे कई टीचरों को जानता हूं जो रोज सुबह शिक्षा की मंडी का शटर खोलते हैं और खेतों में मिट्टी पाटते किसान की तरह तमाम विरासतों से आने वाले नौनिहालों के अंतस पर हेंगा चला देते हैं। मैं ऐसे कई टीचरों को जानता हूं जिन्होंने छात्रों की अनमोल जिंदगियों को बड़े बड़े फॉर्मूलों में फंसाकर छोड़ दिया, पर उन्हें वो फॉर्मूला नहीं दे पाए जो उन्हें अदद इंसान बना पाता। इन टीचरों के बच्चों को हमेशा फॉर्मूले न रटने और कविताओं की सप्रसंग व्याख्या न कर पाने के जुर्म में उल्टी हथेलियों पर 5-5 स्केल लगाए गए, हर बार नियम से। मैं उनको भी जानता हूं जो अपने छात्रों के प्रेम में मशहूर हुए मगर अपने किसी छात्र को सच्चे प्रेम की दीक्षा कभी न दे सके। आप नहीं जानते होंगे मगर मैं जानता हूं उन टीचरों को जिन्होंने अपने छात्रों के दिलों में समाजवाद की जगह वंशवाद की जड़ें पुख्ता की। उनको भी जानता हूं जिन्होंने अपने छात्रों के हाथों बम फेंकवाए और उन्हें यह सिखाया कि औरतों पर दुराचार सामाजिक अव्यवस्था पर नकेल कसने का रामबाण उपाय है। जिन्होंने अपनी जातिगत हठधर्मिता के आगे शिक्षक धर्मिता के सभी आयाम धूल धूसरित कर दिए और आखिर में सबसे महान टीचरों में शुमार हुए। अब उनकी बात जिनका नंबर पहले आना था। मैं ऐसे कई टीचरों के साये में पला जिन्होंने हमेशा अपनी जरूरतों को हमारी मजबूरियों के पीछे रखा। उनके घरों पर शटर नहीं थे, दरवाजों के पल्ले थे जो हमेशा हमारे लिए खुले होते थे। उन्होंने चेताया था कि बेरहम बाजार हवा पानी तक को बेचने की जुगत में है और हमें उसे रोकना ही चाहिए, और इससे भी ज्यादा ये भरोसा दिलाया कि हम उसे रोक पाने में सफल होंगे, कि एक दिन जब बाजार का प्रभाव और आत्मीयता का अभाव आदमी को आदमी से दूर कर रहे होंगे तब हम गांधी और अंबेडकर के साथ भगत सिंह और सुभाष बोस की जिंदगियों से सीखते उनको पढ़ते हुए बड़े बड़े सिस्टमों के बनाए मकड़जाल से छूटने की कोशिश करेंगे, कविताएं लिखेंगे, गीत गाएंगे, हाथों में हाथ बांधे सच के साथ खड़े होंगे और इन सब से फर्क पड़ेगा। पते की बात यह है कि इन सब के आखिर में सच्चा टीचर सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो ये बता पाएगा कि गांधी, अंबेडकर और नेहरू, भगत, तिलक और लाजपत सत्ता लोलुपों के भाषणों के बाहर क्या थे, क्यों और कितने अलग थे सब एक दूसरे से, कि आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस जो थे वो कैसे थे, कि थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला में, टैगोर, शेक्सपियर और कबीर में, ह्यूएन सांग, कॉलरिज और सांकृत्यायन में, मार्क्स, माओ, मंडेला, लूथर किंग, लिंकन में, जिन्ना और अब्दुल गफार खान में, राधा कृष्णन, सावित्री बाई, ज्योतिबा और फातिमा में क्या और कितना अंतर है। शुक्रिया।